राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन विकास की इस यात्रा में, क्योंकि एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिलकर के आगे बढ़ना होगा, तब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। ये यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है, हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं, लेकिन आप साथ साथ तो हैं लेकिन पास पास तो हैं लेकिन साथ साथ नहीं हैं, यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है, हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है। राज्यपाल जी के भाषण का अगर आप सम्मान के होते, मुझे लगता है बहुत अच्छा होता, अच्छा होता। आपने यद्यपि अपने भाषण में कहा, इस बार का उल्लेख किया कि राज्यपाल जी का हमने विरोध नहीं किया, राज्यपाल जी का आपने विरोध नहीं किया, लेकिन आपके माननीय सदस्य नारेबाजी जो कर रहे थे, राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, आपके समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे, ये कोई मंच नहीं था। देखिए, हमें चौका और चौराहे की बात को याद करना होगा, इस सदन में क्या बात लगनी, क्या बात होनी चाहिए और चौराहे पे क्या बात होनी चाहिए, दोनों में अंतर होना चाहिए। ये मंच व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत आक्षेप का मंच नहीं हो सकता है। सम्मान अगर आपका है तो इस पक्ष का भी सम्मान है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करके मिलकर के अगर आगे बढ़ेंगे, और राज्यपाल जी का अभिभाषण प्रदेश के विकास के लिए है, अगर हम उस अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रदेश के विकास का विरोध कर रहे हैं, हम प्रदेश के विकास के बैरियर बनना चाहते हैं। प्रदेश की जनता क्या हमें इसको देख नहीं रही है? और मुझे लगता है जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग अगर इन भावनाओं को एक साथ देख सकें बहुत अच्छा होगा। मुझे प्रसन्नता है कि इतने माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के साथ ही उन्होंने